घर में घुसकर लूटपाट व जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज। पीड़िता ने दर्ज कराया नामजद मुकदमा। दीपावली के दिन का है मामला। धौलपुर शहर के निहालगंज थाने में एक महिला ने घर में घुसकर जानलेवा हमला करने और लूटपाट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। मामला दीपावली के दिन तड़के सुबह का बताया जा रहा है, जहां एक घर में घुसकर कुछ लोगों ने लूटपाट चोरी की एवं पता चलने पर पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट व जानलेवा हमला भी कर दिया, जिसमें पीड़ित परिवार के सदस्य घायल हुए थे। घटना को लेकर महाराणा प्रताप नगर गौशाला कॉलोनी धौलपुर निवासी ज्योति सिकरवार पत्नी महेश सिकरवार ने निहालगंज थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें पीड़िता ने बताया कि दीपावली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग घर में घुस आए और चोरी लूटपाट करने लगे। जब विरोध किया तो उन्होंने मारपीट व हमला कर दिया, जिसमें कई जनों को घायल कर दिया। इस दौरान घर से वो लोग लूटपाट करते हुए 1,20,000 रुपए, 2 जोड़ी झुमकी, 2 अंगूठी, गले की चेन व मंगलसूत्र ले गए। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पूरी घटना को लेकर पीड़िता ज्योति सिकरवार ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबान। सुबह 5:30 बजे बच्चा दूध लेने गया था तो गेट को खोल के रह गया था, मतलब ढकेल के। उसी दौरान ये सारे पड़ोसियों ने जो उनके घर है ना, उनसे हमारी पहले कभी हो गई थी थोड़ी बहुत बच्चों के बारे में, इतना हमने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सुबह आके सरिया वगैरह ला के सोते हुए को हम सबको मारा। छोटे बच्चे के तो दोनों हाथ फ्रैक्चर है। जो हमारे जेठ जी हैं उनका पूरा सिर फटा हुआ है, हमारी दीदी हैं उनका हाथ टूटा हुआ है, और हमें किचन में बंद करते हैं। हमारे बड़े लड़के के ऊपर गर्म दूध डाल के उसको जला दिया। आपका नाम क्या है? ज्योति सिकरवार। कहाँ रहती हैं आप? गौशाला महाराणा प्रताप नगर।